कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। और बदकिस्मती है साड़ी कि जिस देश का नारा ये रहा हो जय जवान जय किसान, तो अज वो किसान अपने हकों लई सड़कों के उत्ते रोल रहा हो। कोई टाइम सीगा जदों किसान ये तय करता सीगा कि सत्ता किसनू देनी है, अज सत्ताधारी तय कर रहे हैं कि किसान नू की देना। इत्थे ते हाल तो बन जानी है किसान दी कि था इरादा, शिकायत तेरी करेंगे हाकम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला, किसी ने सुननी नहीं ओदी। पहला तो असी सुनते होंगे सीगे कि जिस परमात्मा ने पैदा किया वो आपे रोटी भी दऊगा, तो हुण इह कहावत ही बदल जानी आ, हुण तो यह होगी कि जिहदे उत्ते वड्डे घराणियां दी नज़र मेहरबान आ उहनां नूं रोटी आपे देणगे, बाकी भावें भुखे मरदे रहण। कि दुनिया की जिहड़ी सब तो वध पैदावार उह पंजाब ने की सी, और सारे भारत नूं पंजाब कल्ले ने रोटी खवाई सीगी, ते जदों अपना फायदा निकल गया ते हुण गल ओह करती कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जानते नहीं। अकाली है चाहे वह कांग्रसी है, उन्होंने इन्हां चीज़ां दे नाल फर्क ही कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने घर भरन दे नाल मतलब है। जो उन्हां लई मैं चार लैणा कह लवां तो मैनू कोई गरेज नहीं होगा कि डंगर रस्सा चबणों ना डक्या हट दे, कुत्ते बह गए राज ते फिर चक्की चट दे, पत्थर उत्ते बूंद ना कोई असर दिखावे, कदे बंदे दी माणका आदत ना जावे। मतलब कोई भी बंदा अपने वादे नहीं निभाउंदा। जे मैं इन्हां नूं इह कहां कि गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्ज में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में चोर मैनीफेस्टो के वादे जो दोनों से निभाए ना गए। कसूर किसे नेता दा नहीं, किसे अफसर दा नहीं, वड्डे घराणियां दा नहीं, कसूर लोकां दा कि 1947 च आजादी लैण तो बाद असी इहो जी नींद सुते, सानू होश ही नहीं आई ते चोर साडा सारा कुछ ही लैके चले गए, ते असी अजे तक भी नहीं उठे, लोग अपनी मौत आप मर रहे आ। अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है। खेती आर्डिनेंसा दे मामले नूं लेके किसानां वल्लों विरोध लगातार जारी है। केंद्र सरकार वल्लों लैंदे जा रहे आर्डिनेंसा दे विरोध विच किसान सड़कां ते डटे होए ने। किसानां दे नाल नाल विरोधी पार्टियां वल्लों केंद्र सरकार अते उहनां दी भाईवाल पार्टी श्रोमणी अकाली दल दा विरोध भी कीता जा रहा। किसान आर्डिनेंसा नूं लेके हुण मनदीप मन्ना ने भी जम के भड़ास कढ़ी है। मन्ना ने कहा कि नो अपील नो दलील जो कि अंग्रेजां वेले कानून आया सी, उसे तरीके दा कानून केंद्र सरकार फेर लेके आई है। मन्ना ने इल्जाम लगाए कि कदे किसान तय करदा सी कि सत्ता किस नूं देनी है, पर बदकिस्मती देखो अज सत्ताधारी तय कर रहे ने कि किसानां नूं की देना है। दोस्तों मैं बोलना तो उत्थे जाके चाहुंदा सीगा जिथे किसानां ने धरना दित्ता, पर जदों उन्हां नाल मेरी गल होई उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच एक गल कही कि असी सियासी बंदिया कोलों थोड़ा परहेज कर रहे हां क्योंकि उन्हां दे डंगे होए ही असी इत्थे बैठे हां। और बदकिस्मती है साड़ी कि जिस देश दा नारा ये रहा होवे जय जवान जय किसान, ते अज ओह किसान अपने हक्कां लई सड़कां दे उत्ते रोल रहा होवे। कोई टाइम सीगा जदों किसान ये तय करदा सीगा कि सत्ता किसनूं देनी है, अज सत्ताधारी तय कर रहे हैं कि किसान नूं की देना। और किसान विचारा जिवें ये कह रहा होवे कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। मैं गल कर लगा जिस ऑर्डिनेंस नूं लैके किसान धरने दे उत्ते बैठा जिन्हों रोकण करके वह सड़कां दे उत्ते उतरिया पिया, उहदे विच तीन जिहड़े बिल जिहड़े ना पास कीते उह किहड़े किहड़े आ। नंबर एक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इस एक्ट दे विच किसी भी इंसान को सिर्फ उहदा एक पैन कार्ड जिहड़ा होना जरूरी आ, यह भी दसना जरूरी नहीं कि उहदे खाते च पैसे हैगे आ कि नहीं हैगे, उहदे कोल नकद पैसे हैगे आ कि नहीं हैगे, उहदी बैंक च कोई लिमिट हैगी कि नहीं हैगी, कोई बैंक उहदी गरंटी लैंदा कि नहीं लैंदा। कुछ भी ना होवे पर उह किसान दी फसल जिहड़ी खरीद सकदा, शर्त इह रखी गई है
कि तीन दिनों के जी किसान अदायगी करनी ज़्यादा जरूरी है। तो जे वह अदायगी नहीं करता, जे कोई झगड़ा पै जाता तो किसान वह केस लैके एस डी एम को जा सकता, जे उत्थे भी नहीं निबड़ता तो फिर डीसी को जा सकता, तो जे डीसी को भी नहीं निबड़ता तो फिर अगे ना को अपील तो ना दलील, जिमें अंग्रेजों वेले एक एक्ट आया सीगा नो अपील नो नो दलील, इनू रॉयलट एक्ट कहा जाता सी। उस तरीके का कानून जिहड़ा हुण केंद्र सरकार फिर लैके आ गई। हुण मैं पुछना चाहना कि जे किसान दे कोई पैसे मार लूगा तो कौन जिम्मेवार है? इस साडे देश दे विच एडे एडे नौसरबाज बैठे आ जिहड़े घर बैठे लोगों के खाते चो पैसे कढ़ा लैंदे आ, फिर किसान उन्हां दे चुंगल चो किसान उन्हां दीआं छात्र चालां चो किस तरह बाजूगा? तो दूजी गल फिर जिहड़े वड्डे वड्डे कारोबारी आ जिन्हां ने किसानां दी सारी फसल खरीद लैनी आ, जिन्हां ने सारी सौदेबाजी करनी आ, जिन्हां दा सारा कारोबार ते कब्जा है, उन्हां दे खिलाफ किहड़ा डीसी किहड़ा एस डी एम उन्हां दे खिलाफ जाके फैसला करन दी हिम्मत कर सकदा वा? कोई एक फैसला दस दो मैनूं वड्डियां फर्मां दे खिलाफ होया होवे। इत्थे ते हाल तो बन जाणी आ किसान दी कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला, किसी ने सुननी नहीं ओदी। दूजा एक्ट 1955 असेंशियल कमोडिटी के जरूरी वस्तां दे उत्ते जिहड़ा साडे कानून सीगा कि कोई भी व्यापारी ओदी एक मात्रा रखी गई सी कि इस तो वध मात्रा दे विच ओह स्टॉक नहीं रख सकता, किसी चीज़ का भी किसी चीज़ का जखीरा नहीं इकट्ठा कर सकता। कारण की सीगा कि इहदी ब्लैक जिहड़ी मार्केटिंग आ उह घट करन वास्ते इह कानून सीगा। हुण एक आदमी एक व्यापारी जिन्हां दा सारा हिंदुस्तान दे व्यापारां दे उत्ते कब्जा वा, उह सारे देश दा अन्न भावें खरीद लवे ते दूणे मुल तक वेच सकदा, उहनूं कोई पुछण वाला नहीं। इहदे नाल महंगाई वधणी आ, जनता भुखी हो जाणी आ, क्योंकि किसान ते स्टॉक कर ही नहीं सकदा। उहनूं ते विचारे नूं टेंशन हुंदी आ वी किदण उहदी फसल पक्के, किदण वड्डी जावे, ते उसे दिन उह अरदासां करदा रहिंदा वी इह सुखी सांदी मंडी दे विच पहुंच जावे। अद्धों वध ते वाधी हिंदुस्तान दी पहला ही भुखी सौंदी आ देश दे विच। इस तों बाद ते साडे देश दा रब ही राखा, पहला तो असी सुनते होंगे सीगे कि जिस परमात्मा ने पैदा किया वह आपे रोटी भी दूगा, तो हुण इह कहावत ही बदल जानी आ, हुण तो यह होगी कि जिहदे उत्ते वड्डे घराणियां दी नज़र मेहरबान आ उहनां नूं रोटी वह आपे देणगे, बाकी भावें भुखे मरदे रहण। नंबर तीन जिहड़ा एक्ट आ उहदे विच की आ कि फार्मरस एग्रीमेंट ऑन प्राइस अशोरेंस एंड फार्म सर्विसिज, के कंट्रैक्ट बेस दे उत्ते किसान नाल इक करारनामा कर लिया जाऊगा, जमीन का नहीं फसल का जिहड़ा ठेका कर लिया जाऊगा कि उहदा रेट जिहड़ा पहला ही तय कर लिया जाऊगा। कि मन लो किसी की फसल का भा जिहड़ा वध गया पर कंपनी ने जिहड़ा उहदे नाल रेट तय किया आ उस रेट के उत्ते उहदे कोलों फसल खरीदी जाऊगी, ते जे किते रब ना करे बाजार दे विच भा घट गया तो वह कंपनी को एडे एडे अधिकार आ, वह कोई भी नुक्स कढ के जिवें किसी नाल लड़ाई झगड़ाई घर च करना होवे ते सब्जी चो वाल कढ लईदा वा, इस तरीके का कोई नुक्स कढ के उहदी फसल नूं जिहड़ा डिनाई कर दूगा, वह चुकण तों इनकार कर दूगा, तो किसान विचारा थां थां ते धक्के खांदा फिरूगा अपनी फसल वेचण लई। ते जे इस दौरान कोई कुदरती मार पै गई तो उहनूं कोई पैसा भी नहीं उह दूगा। इन्ना ही नहीं, मन्ना मुताबक किसानी नूं खत्म करन लई होर भी वक्खो वक्खरे कानून बनाए जा रहे ने जिस ते लोकां दा ध्यान नहीं जा रहा, ते ओह कानून है बिजली सोध बिल जिस विच बिजली दी सप्लाई भी प्राइवेट हत्थां विच दे दित्ती जावेगी। सिर्फ ए तीन कानून ही ना समझे जान किसानी नूं खत्म करन लई होर केड़े केड़े फरमान जिहड़े जारी कीते जा रहे आ जिहदे वल लोकां दा जे ध्यान नहीं जा रहा। एक कानून होर है इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 दा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये तीन च एक कानून सीगा उहनूं हुण सोध करके 2020 दे विच एक कानून नवां लैके आंदा गया बिजली दे उत्ते कि 1947 च जदों देश आजाद होया उस तो बाद एक इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट बनिया सी 1948 दे विच कि बिजली दी जिहड़ी पैदावार आ उहदे सारे अधिकार जिहड़े उह सरकार कोल रहणगे, क्योंकि ये डिवेलपमेंट का साधन आ ना कि कमाई का, इस तो कमाई नहीं करन दित्ती जाऊगी। तो 1965 दे विच जदों देश दे विच अकाल पिया सीगा रोटी दे लाले पए सीगे ते उस टाइम साडे प्रधानमंत्री जिहड़े सीगे श्री लाल बहादुर शास्त्री उहनां दीआं हदायतां दे उत्ते एक हरी क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आंदा गया सीगा जिहनूं नां दित्ता गया सीगा जय जवान जय किसान,
ते खास करके ये जिहड़ा ये हरी क्रांति सी ये पंजाब लई सी कि उन्हां कहा सीगा कि बिजली बोर्ड भावे घाटे च चला जाए भावे करजा चुके पर किसानां नूं जिहड़ी पूरी सहूलत दित्ती जाऊगी क्योंकि मुख टीचा सीगा देश दे विच अनाज पैदा करना और उदों दसदे आ कि दुनिया की जिहड़ी सब तो वध पैदावार उह पंजाब ने कीती सी और सारे भारत नूं पंजाब कल्ले ने रोटी खवाई सीगी ते जदों अपना फायदा निकल गया ते हुण गल उह करती कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जानते नहीं। उस तो बाद 1948 तो बाद 1965 का जिहड़ा जय जवान जय किसान दे नारे तो बाद 2003 दे विच ROR 16 नूं कहा जांदा रेट ऑफ रिटर्न एक एक्ट लैके आया गया जिहदे विच इह कीता गया कि सिर्फ बिजली बोर्ड नूं घाटे च नहीं रहण दिता जाऊगा 16% इस तों मुनाफा जिहड़ा कमाया जाऊगा। 2003 दे विच इहदे विच कानून च सोध करके इह कीता गया कि जिहड़ी पैदावार आ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2020 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5000 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ DBT ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸਬਸਿਡੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਚਾਹੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5-4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਰੱਸਾ ਚੱਬਣੋਂ ਨਾ ਡੱਕਿਆਂ ਹਟਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦੇ, ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਕਾ ਆਦਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ SDM ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ DC ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੋ ਐਸੇ ਕਿ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਯੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਂ ਉਤਰੇ ਕਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਗਏ, ਔਰ ਆਜ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਹੈ
और आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में चोन मैनिफेस्टो के वादे जो दोनों से निभाए ना गए। स्वामीनाथन उन्हां दी रिपोर्ट दे विच की सीगा, मैं तुहाडे ध्यान च लियावां, उन्होंने कहा सीगा कि जदों एक सरकारी मुलाजम नूं तनखाह दे नाल कई पत्ते मिलते उहदे परिवार वास्ते, मैडिकल पत्ता उहदे परिवार नूं भी मिलदा, नाल हाउस रेंट मिलदा, इत्थों तक कि वर्दी धोण तक, जे कोई वर्दी पाउंदा धोण तक का भी पत्ता दिता जांदा, जे कितें जज लगे आ उहनां नूं पर्दे धोण तक का पत्ता दिता जांदा, फिर किसान का पूरा परिवार खेती नूं समर्पित हुंदा, जिन्ना खर इहनूं भी पत्ते देने बहुत ज़्यादा जरूरी है, कल्ले उहदी मेहनत दे नाल उहदे परिवार का गुजारा नहीं चल सकता। वह रिपोर्ट ना लागू करन करके किसान दे अज हालात हो गए। उन्हें कहा सीगा अपनी रिपोर्ट दे विच कि जिन्ना खर्चा फसल दे उत्ते आउंदा है उहदा 50% जिहड़ा भत्ता उह किसान नूं दित्ता जावे। मान लो जे 10,000 रुपया खर्चा आया ते 5,000 उहनूं नाल दित्ता जावे, 15,000 करके, इहदे नाल नाल सूचक अंक दे नाल नाल चलिया जावे जां महंगाई दे हिसाब दे नाल चलिया जावे। जिवें 1970 दे विच तेल दी कीमत 60-70 पैसे सीगी, वह 100 गुणा वध के अज 75 रुपये का हो गया, मतलब 100 गुणा वध्या। तो जे कणक उस टाइम ते 70 रुपये क्विंटल सी, इहनू 100 गुणा करके कम से कम 7,000 रुपया तो उहनू मिलना चाहिए, वादे ये सीगे वो तो पूरे नहीं किए गए। तो फिर एडी की आफत आ गई देश दे विच, नैशनल मैडिकल जिहड़ी एमरजेंसी चल रही है, फिर बैकडोर ते जाके ब्लैक आवर दे विच ये बिल क्यों पास किया गया, किहड़े घरानियां दे दबाच किया गया, देश ते महामारी दे नाल जूझ रहा वा, फिर ये कानून एडी छेती इन्हां दिनां दे विच लियाउण दी की लोड़ सी। किते ना किते वड्डे घराने जिन्हां ने पैसा कमाउणा, जिन्हां ने सरकारां बणाउण दे उत्ते पैसा लाउणा, उन्हां दा किन्ना क दबाव सीगा, ते सरकार तर्क की दिंदी आ किसानां दी फसल ना चुकण दा कि ये पेस्टिसाइड कीटनाशक जिहड़ियां दवाइयां इन्हां दी वरतों बहुत ज़्यादा हुंदी आ, विदेशां दे विच फसल विकदी नहीं, ते जदों उत्थे जाके रिजैक्ट कर देंदे आ ते उहनूं वापस असीं लिया नहीं सकदे, उहदा खर्चा बहुत ज़्यादा आउंदा ते इह सुट्टणा पैंदा। हुण सवाल की है कि कीटनाशक जिहड़ी दवाइयां दी वरतों आ वध पैदावार करन लई किसान नूं मजबूर किने कीता, जदों किसान नूं कई दहाकियां तों उहदी फसल दा मुल ही नहीं मिल रहा, वह करजाई हो रहा, वह भुखा मर रहा, फिर वह करे कि अपनी पैदावार वधाउण लई, उहने फिर ये तरीका जिहड़ा वेखो वेखी अपना लिया और अज ये सब नूं भुगतना पैण रहा वा। दूजे पासे मन्ना ने किसानां दे अज जो हालात ने उस लई केंद्र अते पंजाब सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया अते नाल ही साफ कीता है कि आर्डिनेंसा नाल सिर्फ किसानां नूं ही नहीं सगो सारी इकोनमी नूं फर्क पैणा है। हुण मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा, चाहे वह केंद्र दी है चाहे पंजाब दी है, वह दसे कि MSP मिनीम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी है उहदे च 23 फसलां आउंदियां ते सरकार ने अज तक झोने ते कणक तो बिना चुकिया की आ किसान दा, किसान दी हालत लई अज जिम्मेवार कौन है। इहदे नाल नाल मैं किसानी तो लहदा जिहड़े लोग आ उहनां नूं भी इह कहना चाहुंदा कि मत सोचो इस ऑर्डिनेंस दे नाल, इस कानून दे नाल सिर्फ किसान नूं फर्क पैणा, सारी अर्थव्यवस्था नूं, सारी इकोनमी नूं इहदे नाल फर्क पैणा, क्योंकि सारी इकोनमी जिहड़ी है वह किसान दे सिर ते चलदी है, फसल दे सिर ते चलदी है, फसल वेच के खरीददारी हुंदी है, चाहे वह कपड़ा है, चाहे वह खाण पीन दा समान है, चाहे वह लोड़ां ने, चाहे वह कारां ने, हर लड़ींदियां चीज़ां ते लग्जरी दी जिहड़ी खरीददारी है किसान दे मतलब कम करन तों शुरू हुंदी है। ते जे वड्डे घराणियां दा किसानी दे उत्ते कब्जा हो गया ते आटोमैटिकली ये समझ लो कि तुहाडे कारोबार ते भी उन्ना ही फर्क पैणा, क्योंकि उन्हां कारोबारियां दे वड्डे वड्डे मॉल्स ने जिहदे विच हर चीज़ उपलब्ध है, वह किसान नूं मजबूर करनगे, चाहे वह लालचवस होवे, चाहे वह बिजली की छोट दे के होवे, उत्ते कोई पैसे घटा के होवे, चाहे फसल के मुल दे उत्ते कोई सहूलत दे के होवे, इहदे नाल नाल किसान नूं वह मजबूर ते लालच देणगे कि तुहाडी जिहड़ी खरीददारी है वह साडे इदारियां तों कीती जावे लड़ींदियां, ते तुसीं वी रोवोगे जे अज तुसीं एक दूजे का साथ ना दिता, ते खीरे टाइम तुहाडे ते वी आउणा, तुहाडे ते किसी शायर ने बड़ियां वधिया लाइनां लिखियां जिहड़े एक दूजे का तमाशा वेखदे आ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है,
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कसूर किसे नेता दा नहीं, किसे अफसर दा नहीं, वड्डे घराणियां दा नहीं, कसूर लोकां दा कि 1947 च आजादी लैण तो बाद असी एहो जी नींद सुते, सानू होश ही नहीं आई ते चोर साडा सारा कुछ ही लैके चले गए ते असी अजे तक भी नहीं उठे। लोग अपनी मौत आप मर रहे हैं। मैं समाप्ति च कहन लगा कि अंधेरा ढकले सूरज को तो उजालो की खता क्या है, अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है। दादी के केंद्र सरकार वालों लियांदे गए किसान आर्डिनेंस ते जिथे किसान सड़कां ते डटे होए ने उथे ही विरोधियों वालों केंद्र सरकार ते श्रोमणी अकाली दल नू घेरन च कोई कसर नहीं छड्डी जा रही। पर हुण बीते दिन तो श्रोमणी अकाली दल वालों यू टर्न लैंदिया आर्डिनेंसा नू किसान विरोधी दसिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।